आपके साथ कोमल गुप्ता वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर, फिरोजाबाद पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने राकेश टिकैत पर बोला जुबानी हमला, राकेश को बताया दानव। जी हां, बता दें भारतीय किसान यूनियन के भानु के अध्यक्ष ने कहा कि राकेश के संगठन को आंदोलन के लिए हो रही थी विदेशी फंडिंग, कांग्रेस से भी पैसा मिल रहा था, केंद्र से वार्ता हुई, कहा कि जल्द बनेगा किसान आयोग। भानु प्रताप ने कहा कि केंद्र सरकार तथा प्रदेश सरकार के साथ उनकी हर माह होती है विभिन्न मुद्दों पर वार्ता। कांग्रेस में तो चली रही है फंडिंग, अरे फंडिंग विदेशों से, उन्हें नाम लिया था कि कनाडा से लिया रही है, ये खालिस्तानियों से मिलके भारत के द्रोही हो गए थे, देश द्रोही हो गए थे, तो इनके संगठन में भी तो मानव थे, उन मानवों ने इन सबको छोड़ दिया और राक्षसों को अलग कर दिया। अब बुरे काम का बुरा नतीजा एक दिन पाओगे, इंतजार करो बेटा, कुछ ही दिन में जेल खाने को भी जाओगे। क्या हम कहते नहीं थे बार 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 बार, सारे लोग थोड़ी खराब होते, हमारे विचार से दो जातियां हैं भारत में, एक मानव और एक दानव, और दो ही धर्म है, एक मानव धर्म एक दानव धर्म, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, ये धर्मों को हम कुछ को नहीं मानते, धर्म दो मानव एक एक दानव। तो वो दानवीय प्रवृत्ति से करीब 12-14 महीने कांग्रेस की फंडिंग से जो मैं अत्याचार कर रहा था, अरे आप टिकरी बॉर्डर पर देखते तो पक्के मकान बना लिए, एसी लगा लिए और उनमें टीवी चल रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। अब ये बताइए, जब तुम जाके सड़कों पे मकान बना सकती हो पक्के, तब क्या जरूरत है आंदोलन की, गांव में तो मकान है नहीं किसान पे। तो ये फंडिंग से चलने वाले थे और हमसे तो राजनाथ किए पिए हैं त्रिपाठी जी, उनने दानव राक्षस जिसने लूट लिया आंदोलन को, लूट लिया, किसानों को बर्बाद कर दिया, और किसान नेता की छवि इतनी खराब जितनी राकेश ने की है उतनी दुनिया के कभी किसी ने नहीं कर पाई। बात बात पे उसने लिया है, हम उनकी ए बी सी डी सब जानते हैं। जब हम चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत उनके बाप जो बहुत ईमानदार नेता थे उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष बने थे, तब राकेश टिकैत दिल्ली पुलिस में सिपाही थी, और फिर उनने सोचा विक्रम लालू के नौकरी छोड़ आए और नौकरी छोड़ के टिकैत साहब कर रहे हैं आंदोलन, और वो टिकैत के लड़के दूसरी जगह सरकार से बात करने लगे, ले आए करोड़ दो करोड़, ऐसी कांग्रेस की सरकार थी तो देते रही और ये लेते रहे। OVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल CB मार्केट के पीछे बाईपास रोड फिरोजाबाद, शांत सुरम्य वातावरण, शहर के बीच भव्य विद्यालय का भवन, साफ स्वच्छ हवादार एवं सुंदर फर्नीचर से युक्त कक्षाएं, सुसज्जित प्लेवे, आंतरिक एवं बाहरी खेलों की व्यवस्था, स्वच्छ पीने योग्य जल की व्यवस्था, योग्य एवं अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाएं, विशाल खेल परिसर, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त अध्यापन की व्यवस्था, संस्कार एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों की कौशल क्षमता का विकास, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अध्यापन कार्य, कक्षाओं में विद्यार्थियों की सीमित संख्या, व्यावहारिक शिक्षण हेतु समय समय पर विद्यार्थियों को भ्रमण हेतु लेके जाना, कम खर्च व कम फीस में अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को लेने और छोड़ने हेतु उचित वाहन व्यवस्था। हाँ बीबी, कहाँ हो तुम? तुमने अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो रहे, तो जल्दी करो। सॉरी यार, लेट हो गया। उनकी 5 बजे की अपॉइंटमेंट थी और हम लोग फिर से लेट हो गए। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना? जा। Thank you.
कोमा है ना। माँ बनना दुनिया का एक खूबसूरत एहसास है। इसका ख्याल रखने के लिए 9 महीने आपको कंप्लीट केयर देने के लिए आ गया है उम्मा प्रेगनेंसी केयर। उम्मा आपका और आपके बच्चे का पूरा ख्याल रखेगा। आप घर बैठे भी हमें संपर्क कर सकते हैं। 24/7 आपकी सुविधा हमारी संतुष्टि। बस कॉल कीजिए 8954000174 पर। लजीज और टेस्टी खाना खाना है तो आइए अपने नानक फूड कोर्ट एंड फैमिली रेस्टोरेंट पर, जहां आपको मिलेगी टेस्टी और यमी सोया चाप, तंदूरी चाप, टेस्टी पनीर टिक्का, पंजाबी तंदूरी पराठा स्पेशल। चाप बहुत अच्छी है, पनीर टिक्का बहुत अच्छा है और पनीर मुझे बहुत ही गुड़ है। मुझे तो नानक फूड कोर्ट का खाना काफी पसंद आता है। कृपया आइएगा जरूर नानक फूड कोर्ट एंड फैमिली रेस्टोरेंट पर। एक बार आएंगे तो बार बार आने का करेगा मन। हमारा पता है दाऊजी रेस्टोरेंट के सामने, MG रोड, फिरोजाबाद।